अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बीएसआर को उसमें मैं आपको बीएसआर डिस्कस करूंगी। व्हाट इज अमेज़न बीएसआर। काफी लोग जो है वो इस चीज से कंफ्यूज हैं कि बीएसआर क्या होता है, ये कहाँ पर शो होता है, इसका क्या मकसद होता है। बीएसआर जो होता है ना, बेस्ट सेलर रैंक होता है अमेज़न का। अमेज़ोन पर जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए होते हैं, अमेज़ोन उनको सेल्स वेलोसिटी की बेस पर एक स्कोर देता है जिसको बीएसआर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन पर फ्रीक्वेंटली सेल होती जा रही है, उस पर ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, अमेज़ोन क्या करेगा कि उसको एक स्कोर दे देगा, एक रैंक दे देगा कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, इसलिए इसको नंबर 1 का रैंक या टैग दे देगा, उसे टैग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम एंड किचन कैटेगरी है, उसमें आइसक्रीम स्कूप जो है ना वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए होम एंड किचन की कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही होती है उससे अमेजोन एक टैग दे देता है, मतलब स्कोर दे देता है, सेल्स रैंक दे देता है। जैसे होम एंड किचन में सबसे ज्यादा आइसक्रीम स्कूप सर्च हो रहा है, तो अमेजोन उसे क्या करेगा कि रैंक 1 दे देगा, उसे क्या दे देगा, स्कोर 1 दे देगा। उसके बाद जो होम एंड किचन कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा, यानी आइसक्रीम स्कूप के बाद जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा उसे सेकेंड रैंक दे देगा। फिर जो थर्ड पे सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा, यानी सेकेंड के बाद जो सेल्स आ रही होती है उसे थर्ड दे देगा, इस तरह 4, 5, 6 एंड सो ऑन देता जाएगा। तो बीएसआर बेसिकली एक स्कोर होता है जो अमेज़ॉन पर जो प्रोडक्ट्स हमारी सेल हो रही होती हैं उसकी सेल्स वेलोसिटी के बेस पर हमें अमेज़ॉन जो है ना वो दे रहा होता है, वो असाइन करता है हमें उसकी सेल वेलोसिटी की बेस पर। और ये ना हर घंटे के बाद अपडेट होता रहता है। अमेज़ॉन घंटे के बाद देखता है कि कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है, फिर इसको एक रैंक दे देता है, उसे बीएसआर कहा जाता है। तो बीएसआर कहाँ शो होता है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। और ये सेकेंड हमारे पास है, फर्स्ट का यही है कि वो जो है ना सेल्स वेलोसिटी की बेस पर हमें एक टैग असाइन करता है जिसे बीएसआर कहते हैं, एक रैंक असाइन कर देता है। अब इट एसेंशियली टेल्स यू हाउ योर प्रोडक्ट रैंक कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट विद इन द सेम कैटेगरी। इट मीन्स कि ये जैसे अब होम एंड किचन कैटेगरी है, वहां पर फर्स्ट पे जैसे आइसक्रीम स्कूप को टैग दे दिया गया, सेकंड पे किसी और प्रोडक्ट को के टैग दे दिया गया, थर्ड पे किसी और प्रोडक्ट को टैग दे दिया गया, इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दे दिए जाते हैं एक ही कैटेगरी में। तो हम जो है ना आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट वाले की कितनी सेल्स हो रही है, सेकंड वाले की कितनी सेल्स हो रही है, थर्ड वाले की कितनी सेल्स हो रही है। इस सेल्स फाइंड करने के लिए जो है ना वो एक कैलकुलेटर है, प्री एक्सेस जो है ना एस्टिमेटर, उसे JS मैं वो करके देखती हूँ, JS सेल्स एस्टिमेटर, एस्टिमेट जी, ये जो है ना क्या है, एक कैलकुलेटर है हमारे पास। तो यहाँ पर हम जो है ना अपनी मतलब कि सेल्स जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं कि किस सेलर की कितनी सेल्स हो रही हैं। जी, ये हमारे पास जो है ना वो कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, गूगल न्यू टैब में मैं जाती हूँ, amazon.com में जाती हूँ, amazon.com। हम कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना वो लिखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं और वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट को कौन सा रैंक दिया है और उसकी मंथली कितनी सेल्स हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिख लेते हैं ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट, ठीक है। ये हो गया हमारी ब्रेड बास्केट आ गई। अब कोई भी ब्रेड बास्केट की हम लिस्ट जो है ना वो ओपन कर लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि इसको कौन सा टैग मिला हुआ है, अमेज़ॉन ने कौन सा टैग दिया। तो ये आप जो है ना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जाएंगे,
से होती हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशंस। ये डिस्क्रिप्शन आ गई है यहाँ, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको जो है ना बेस्ट सेलर रैंक कौन सा मिला हुआ है। ये देखें, ये बेस्ट सेलर रैंक इसको कौन सा मिला हुआ है, 32,000 प्लस बेस्ट सेलर रैंक मिला हुआ है। और कैटेगरी कौन सी है, किचन एंड डाइनिंग है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका ये रैंक कॉपी कर लेंगे जो इसको अमेजोन ने इसकी सेल्स की बेस पर दी है। हम जाएंगे कैलकुलेटर पर और यहाँ पर हमने इंटर करना है जो रैंक हमने कॉपी किया वहां से, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, होम एंड किचन। होम एंड किचन की आपने कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, कि होम एंड किचन की सिलेक्ट कर ली। और यूएस से आपकी मार्केट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपने। ये देखें, अब 649 इसकी पर मंथ सेल्स हो रही है। अमेजोन ने इस सेल्स की बेस पर इसे जो है ना ये वाला रैंक दिया है, ये बीएसआर दिया है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये नहीं लिखते, हम कहते हैं कि फर्स्ट इसको रैंक मिला हुआ। तो देखें, अब इसकी पर मंथ 9,000 नहीं 97,000 और 153 इतनी सेल इसके यूनिट हो रहे हैं पर मंथ, तो इसे फर्स्ट रैंक दे दिया। यहाँ पर आप दे दें कोई 45 रैंक दे दें। देखें, अब ये पर मंथ सेल्स आ गई हैं, आपको सेल्स का इस तरह पता चल जाता है, ठीक है। और आपने बेस्ट सेलर रैंक कहाँ पर देखना है, ये लास्ट में दिया हुआ था प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से, ये बेस्ट सेलर रैंक दिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हम किसी और प्रोडक्ट में जैसे जाते हैं वहां का देख लेते हैं उसको कितना मिला हुआ है। एक ये तरीका भी है और एक और तरीका भी है, हम बेस्ट सेलर्स में जाके, यानी बेस्ट सेलर्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी उनको अच्छा रैंक मिला हुआ होता है, अमेजोन ने उन्हें अच्छा रैंक दिया हुआ होता है। ये सारे बेस्ट सेलर्स आ गए हैं, इट मीन्स कि इनकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। हम यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें, अब किचन एंड बाथ फिक्चर्स किया है, तो इस कैटेगरी में देखते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन सी प्रोडक्ट है। देखें, अब फर्स्ट पर ये प्रोडक्ट आ रही है, इसकी सेल्स जो है ना वो कितनी होगी वहां पर, ये होम एंड किचन की हो गई है, वहां पर हम फर्स्ट राइट कर देंगे रैंक में जाके और उसकी सेल एस्टिमेट हो जाएंगे। इसे सेकंड दिया हुआ है, इसे थर्ड दिया हुआ है, यानी इनकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है जिस तरह उन्हें इन्हें रैंक दिया हुआ है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करती हूँ कि अगर आपका लोअर बीएसआर है ना तो इट मींस आपकी सेल्स हाई है, अगर आपका हायर बीएसआर है इट मींस आपकी सेल्स जो है ना वो लो है। लोअर सेल्स पर आपको जो है ना बहुत ज्यादा बीएसआर मिल जाता है जो जो कि अच्छा नहीं होता। आपको लोअर बीएसआर मिलेगा तो इट मींस कि आपकी सेल्स भी अच्छी होंगी। तो हर कैटेगरी में एक अपना बीएसआर होता है, एक अपना टैग दिया होता है अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को। आई होप आपको अब ये बीएसआर क्लियर हो गया होगा कि बीएसआर क्या होता है। ये बेस्ट सेलर रैंक होता है जो अमेजोन प्रोडक्ट सेल्स वेलोसिटी की बेस पर एक प्रोडक्ट को देता है। जैसे क्लास में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस लेते हैं, आपको नंबर्स की बेस पर दी जाती है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, जिसके सबसे कम नंबर होते हैं उसको लास्ट पोजीशन दी जाती है। इसी तरह जितनी ज्यादा सेल्स होंगी आपको बीएसआर भी उतना ही अच्छा मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, लेक्चर समझ आ गया होगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।